Okay, so hello everyone. Today we'll start our second chapter from the Indian Economic Development. ठीक है, first chapter की hopefully आपने दोनों के दोनों videos को देख लिया होगा. उन दोनों videos को देखने के बाद ही आप इस second chapter की video को start करिएगा. Okay, because मैंने आपको first video में आपको मैंने समझाया था कि हमारा first, second and third chapter जो कि हमारा first unit में आता है Indian Economic Development में, ये तीनों हमारे almost correlated है. Okay, तो चलिए अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इसका सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, जिसका नाम क्या है हमारा, ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी. मतलब अब ये हमारी पूरी की पूरी कहानी आती है उस इंडिपेंडेंस के टाइम की और उसके इंडिपेंडेंस के बाद की. मतलब अगर हम देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात होगी ऑफ कोर्स, या फिर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की. और ये अप्रोक्सीमेटली, ये जो आपका है चैप्टर, ये आपका ऑलमोस्ट इस एरिया को कवर करेगा, 1950 से लेकर 1990 तक की कहानी को. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो अब इस पे हम जरा ध्यान देते हैं. आज से हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखते हुए जाइएगा. मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए आज प्रॉपर ढंग से इस चीज को समझा पाऊं. ओके ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. देखिए, इस चैप्टर में हमारा अब क्या आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी. पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अब हमारा देश आजाद हो चुका था. कब हुआ था भाई आजाद हमारा? 15th of August इन द ईयर 1947. ओके, दिस वॉज द हिस्टोरिकल डेट फॉर इंडिया, कि जहां पे हमारा देश फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉलोनाइजेशन से हमारा आजाद हो चुका था. ओके, अब आजाद होने के बाद बहुत दिक्कत थी. ऑफकोर्स अब हमारा इंडिया था जो कि इस, अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी जो कि ऑफकोर्स ईस्ट इंडिया को आगे लेके जाने वाली थी. किस तरीके की गवर्नमेंट थी, क्या ऐसा वो करने वाली थी, बहुत दिक्कतें थी हमारी इंडिया में उस टाइम पे. अगर हम देखें तो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, तीनों तरीके से हमारा कंट्री उस टाइम पे बहुत कमजोर था. ऑफ कोर्स पॉलिटिकली बहुत चीजों के भी और होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिकली हमारा देश किन किन चीजों से उस टाइम पे जूझ रहा था, और उन चीजों पर हम कैसे टैकल किया. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारी आती है चीज कि इकोनॉमी को हमें ठीक करना था. बेसिकली कहें तो हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बिल्डअप करना था जो कि हमारी इन दिक्कतों को ठीक कर सके. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां पे कि हम अपने कंट्री की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके. नाउ व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अगर हम देखें तो अगर हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी, ऑफ कोर्स देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकॉनमी. तीन मेन दिक्कतें हैं अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, कि हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इन तीन दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा, हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा इफेक्टिवली एक्चुअली. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकेंड हमारी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड हमारी आती है हुम टू प्रोड्यूस. ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस, दीज आर द मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. अगर हम बात करें कि व्हाट दीज प्रॉब्लम्स इंडिकेट्स टू, ध्यान देते हैं. सबसे पहले हमारी आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें क्या चीज बनानी चाहिए. अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ है, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो इस टाइम पे हर जगह हमको इस टाइम पे पॉवर्टी की दिखेगी. लोगों के पास इस टाइम पे इतना कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमें ऐसी क्या चीज बनानी चाहिए जो कि लोगों के काफी मदद में रहे. सेकेंड, और ऑफ कोर्स इसमें हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस में एक और चीज हमारी आ जाती है, ध्यान रखिएगा, हमारे जो भी चीज हम एग्जैक्टली हम बनाएंगे वो हम किस क्वांटिटी में भी बनाएंगे, मतलब एग्जैक्टली देखें तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारा आता है कि हम क्या चीज बनाएं एंड हम उसको कितनी क्वांटिटी में बनाएं. होपफुली अब आपको आगे वो समझ में. सेकंड हमारा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं हम उसे. जो भी हम चीज बनाना चाहते हैं वो हम किसकी मदद से बनाएं, किसकी मदद से, मतलब नाउ दे आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट हमारी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक,
सेकंड हमारी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ओके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। व्हाट दिस मीन्स टू लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कि हम उसे ज्यादा इस्तेमाल करें, कोई भी चीज जिसको हम ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाए, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाए, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एग्जैक्टली मतलब होता है कि जहां पे कि हम लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एंड कैपिटल का कम इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कैपिटल का कम। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कंट्रीज जहां पे कि लेबर अबंडेंट है कंट्रीज, एज लाइक इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत है पॉपुलेशन, बहुत है अनएम्प्लॉयमेंट और काफी हमको यहाँ पे स्किल लेबर भी मिल जाती है, विच लीड्स टू, उससे क्या होता है कि हमारे पास जो हम लेबर को हायर करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज करती हैं, वो काफी हमें सस्ते रेटों पे मिल जाती है लेबर, जो कि ऑफ कोर्स एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है कि हमारे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन हो रहा है और हम यहाँ पे थोड़ी सी लेके हम कम कैपिटल कम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहां पे कि हम ज्यादा लेबर और कम कैपिटल, ओके, मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल, ओके, ठीक है, मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। नाउ हियर कम्स अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये ऐसे कंट्रीज होते हैं या ऐसी टेक्निक ऑफ है प्रोडक्शन जहां पे कि हम ज्यादा कैपिटल ज्यादा मशीन इस्तेमाल करते हैं और कम हम इस्तेमाल करते हैं हमारी लेबर को। ये कब होती है या फिर ये किस तरीके से होती है? ये जनरली ऑफ कोर्स वो कंट्री इस्तेमाल करते हैं जहां पे कि लेबर बहुत महंगी पड़ती है उन लोगों को, वहां पे अबंडेंट अमाउंट में लेबर अवेलेबल नहीं होती है, तो ऑफ कोर्स डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऑफ कोर्स प्राइसेस वहां पे लेबर के ज्यादा होते हैं। और इसी वजह से ये जनरली जो डेवलप्ड होते हैं कंट्रीज, वहां पे आपके जनरली ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है जहां पे कि हमारा क्या होता है, ऑफ कोर्स मोर ऑफ लेबर, सॉरी, मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ध्यान रखेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दीज आर द टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं हमारे इन द टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉब्लम जो कि हमारी ऑफ कोर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एग्जैक्टली हम किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किस क्लास ऑफ सोसाइटी, पुअर पीपल्स, रिच पीपल, अल्ट्रा रिच अगर हम बात करें, तो ऐसे लोगों के, हम किस तरीके के लोगों के लिए अगर हम बात करें कि हम कौन से प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स अभी हमारा देश आजाद हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से हमें, तो एक इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है हमारा वो इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। मैंने आपको फर्स्ट वर्ड यहां पे लिखा था इकोनॉमिक सिस्टम, वो लिखा था इस वजह से ताकि इकोनॉमिक सिस्टम एग्जैक्टली हम देखें तो वो अब क्या होता है, एक हम एक ऐसा सिस्टम को बिल्ड करें जो कि इन तीनों प्रॉब्लम्स को टैकल करे और इनको सॉल्व करे। ओके, होपफुली आपको ये वाला पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब हमारे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सबसे पहले हमारा आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड हमारी क्या आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है।
देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जिस जहां पे कि हर एक चीज, अगर हम बात करें कि उसको ऑपरेट करना, उसको उसको कंट्रोल करना, वो हर एक कौन करता है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल करता है, ठीक है। इस इकोनॉमी का अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिव क्या होता है, तो वो होता है इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमेशा ऐसी इकोनॉमी एक प्रॉफिट के बारे में सोचती है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बाद में सोचती है, ठीक है। तो एक सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ये हमारे होती है, यहां पे जो कंप्लीटली यहां पे नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। इस इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। होपफुली अब आपको आ गया होगा समझ में। प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ये होती है स्टार्ट, नो इंटरफेरेंस, यहां पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता सरकार का। इसका मेन क्या होता है मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां पे सोशल वेलफेयर के बारे में कोई भी बात नहीं होती है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, उनको ये इकोनॉमी किस तरीके से सॉल्व करती है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमारी थी उसमें दिक्कत हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। सो ऑफ कोर्स देखिए जरा, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में अगर हम देखें, ये इकोनॉमी हमेशा वो चीजें ज्यादा बनाती थी जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। मतलब ये इकोनॉमी उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देती थी जहां पे कि हमारी मार्केट पे डिमांड है, ना कि उन चीजों पे जो कि सोसाइटी में एग्जैक्टली जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, ओके। सेकंड चीज हमारी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में हमारा आता है कि हम किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करें। सो बीइंग अ कैपिटलिस्ट, बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ समथिंग, हमारे लिए हमेशा जो हमें मिनिमाइज करनी होती है वो होती है हमारी मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। अब फिर वो चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करके आए या फिर वो हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करके आए, हमें अपनी कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करना होता है बीइंग अ कैपिटलिस्ट, ओके। एंड द थर्ड एंड द लास्ट चीज जो हमारी आती है यहां पे, वो आती है होम टू प्रोड्यूस। तो होम टू प्रोड्यूस में जो हम यहां पे ध्यान देते हैं वो क्या है हमारा, कि हमें किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सामान बनाना है। सो बीइंग अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ कैपिटलिस्ट, वो हमेशा उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सामान बनाता है जो सोसाइटी उसको पे कर सकती है, ना कि उस सोसाइटी के लिए जो उसको पे नहीं कर सकती। बिकॉज यहां पे हमारा एक्चुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में ही सोचती है, इसी वजह से हमेशा होम टू प्रोड्यूस में वो हमेशा उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ध्यान देती है जो कि एग्जैक्टली हमें कुछ ना कुछ पे कर सकती है, जो भी चीजें हमारी ये इकोनॉमी में बनाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारा इसका क्या होता है, होम टू प्रोड्यूस में हमेशा उनके लिए बनाया जाता है जो एग्जैक्टली पे कर सकते हैं, पे फॉर द प्रोडक्ट। मतलब ऑफ कोर्स यहां पे हमारे पास पुअर सेक्शन के लिए कोई भी यहां पे रोल नहीं होता है, ओके। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, हमारा क्या आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक कंप्लीटली एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे कि हर चीज हमारी कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, ओन करना, वो एक सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। यहां पे हर चीज जो होती है वो एक मोटिव से की जाती है, उसका नाम है भाई सोशल वेलफेयर। यहां का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, प्रॉफिट प्रॉफिटेबल कंपनीज हो तो बहुत अच्छा रहता है, सरकार को उसको आगे भी चलाने में काफी मदद मिलती है, लेकिन सोशल वेलफेयर उनका हमेशा से एक सबसे पहला मोटिव रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये टैकल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है अगेन इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में,
कि सरकार वो चीजें बनाती है जो कि सोसाइटी की नीड्स हो, ना कि वो चीजें बनाएगी जो कि सोसाइटी में हमें रुपए देने पे ही मिल पाती है, या फिर हमको एक ऐसी चीज है वो बाद में बनाएगी जहां पे कि सोशल वेलफेयर का जो उनका एम है, जो उनका मेन एम है, वो शायद उससे कम ज्यादा फुलफिल ना हो पा रहा हो। तो वो हमेशा हमें उन चीजों पे ध्यान देती है जो कि सोसाइटी की नीड्स हो। सेकेंड हमारा आता है हाउ टू प्रोड्यूस में, अगर हम देखें तो हाउ टू प्रोड्यूस में एक आइडियली एक गवर्नमेंट ऑफकोर्स हमेशा ये चाहेगी कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करे। ऑफकोर्स क्यों? क्योंकि वहां पे लेबर ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो जहां पे लेबर ज्यादा इस्तेमाल होती है तो ऑफकोर्स फिर उस कंट्री में हमारा एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन अच्छा खासा होगा, तमाम चीजें फिर हमारी वहां से ठीक हो सकती है। लेकिन हाउ टू प्रोड्यूस में हम बिल्कुल हम लेबर इंटेंसिव भी अपना सकते हैं और कैपिटल इंटेंसिव भी अपना सकते हैं। इट डिपेंड्स, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि सरकार को किन चीजों में आसानी से सोशल वेलफेयर का जो उसका मेन है मोटिव वो उसका पूरा हो पाता है। ओके, एंड द थर्ड वी हैव होम टू प्रोड्यूस। तो ऑफ कोर्स सरकार उन चीजों पे यहां पे ज्यादा ध्यान देगी जो कि मार्केट फेल हो जाता है उसको प्रोवाइड करवाने में, वे आर मार्केट फेल्स, मतलब जहां पे कि एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हर एक चीज को नहीं दे पाएंगे, वहां पे हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी होम टू प्रोड्यूस, मतलब एग्जैक्टली किसके लिए बनाती है? नीडी पीपल्स, जो कि हमारी सोसाइटी में पुअर पीपल्स हैं, पुअर पीपल्स इन अवर सोसाइटी, उन लोगों पे ये ज्यादा ध्यान देती है, बिकॉज पहला उनका होता है मोटिव कि हमें सोशल वेलफेयर करना ही करना है। ठीक है, सो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दी यहां पे, फिर मैंने आपको यहां पे एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, देखिएगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ऑफकोर्स जहां पे कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट होती है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कैपिटलिस्ट की और कुछ हमारी होती है सोशलिस्ट की। तो यहां पे हर चीज कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, तो यहां पे दोनों चीजों के हाथ में होता है। एक आपको यहां पे एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो होता है हमारे, उनको भी मिलता है चांस, एंड यहां पे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल हमको समझ में आता है। ठीक है, यहां पे सोशल वेलफेयर की भी बात होगी, यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की भी बात होगी, यहां पे देश को आगे बढ़ाने की भी बात होगी, और यहां पे देश को हर एक पर्सन जो हमारा इस सोसाइटी में रहता है, इधर अ पुअर और रिच, हर एक इंसान के सोशल वेलफेयर के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बात होगी, बिकॉज यहां पे गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी अपना सोशल वेलफेयर का, और एक प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। अब बात आती है कि इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम में से हमने अपने इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था? ऑफ कोर्स हमने अपनाया था मिक्स्ड इकोनॉमी को। क्यों अपनाया था? देखिए ध्यान से चीज को बहुत अब सुनिएगा। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे कि हर एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होती है हर चीज। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने के सामने बहुत सारे उस टाइम पे चैलेंजेस थे कि हमें कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाना चाहिए, जहां पे कि उनके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे थे स्कॉलर्स, कुछ सोशलिस्ट के लिए थे और कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए अभी क्यों नहीं है रेडी, बिकॉज अभी हमारे जो लोग हैं उससे उनका वेलफेयर नहीं हो पाएगा, दे आर ऑलरेडी वेरी इन अ पुअर सिचुएशन, अभी वो ऑलरेडी एक पॉवर्टी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, उनका वेलफेयर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनकम इनइक्वलिटी, जो लोग अमीर थे अभी तक हमारे इंडिया में वो और ज्यादा अमीर हो जाएंगे और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो जाएगा। सोशलिस्ट पे वो उन्होंने क्यों नहीं गए, बिकॉज सोशलिस्ट में ये मतलब था कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपने आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ढंग से इंप्रूव नहीं कर पाएगा, तो इसी वजह से अगर बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक थे कंट्री, तो यहां पे बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट को, बिल्कुल ही एक प्राइवेट इंडिविजुअल को छोड़ देना ये बहुत गलत चीज थी, जिसकी वजह से हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी नहीं अपनाया था। बट आफ्टर ऑल एवरीथिंग हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, जहां पे कि हमने एक ध्यान देते हुए हर चीज को हमने प्राइवेट पे भी हमने दिया ध्यान, और यहां पे अपने सरकार ने भी अपना रोल को
प्रॉपर ढंग से निभाया था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड द मिक्स्ड वन. आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेकेंड चैप्टर. ऑफकोर्स हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. हमारा ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर थ्री पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो, कैसा भी कुछ भी, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा. आपको कैसा भी अगर कोई इसमें डाउट्स हो तो आप बिल्कुल उस चीज में बताइएगा हमें. कोई भी आपका सजेशंस किसी भी चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कंप्लीटली आईडी में से, तो आप वो भी मुझे बताइएगा. मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो कहीं ना कहीं से डाल दूंगा आपके लिए. तो ओके एवरीवन, आप इस चीज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन. थैंक यू.